दोस्तों, ये एक हमारा वेबसाइट है। एक्चुअली ये वेबसाइट जो है चैरिटेबल एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं। एक छोटा सा वेबसाइट है, एक छोटा सा कोशिश है जिसमें हम लोग यही कोशिश करेंगे कि किस तरह से साल में जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने का, किताब खरीदने का मतलब फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब होता है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम लोग किताब देने का कोशिश करेंगे। 9th क्लास का 10th क्लास का 11th क्लास का 12th क्लास का वो जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। अब देखते हैं आगे आगे कितने लोग जुड़ते हैं हम लोगों के साथ। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग कहीं भी मदद करना तो चाहते हैं लेकिन किसके हाथ में हमारा अमाउंट जाता है और अमाउंट का इस्तेमाल कैसे होता है हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे इस वेबसाइट में कि आपका अमाउंट को हम लोग कहाँ खर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इस संस्था से जुड़े हुए, ये संस्था आपको कॉन्टैक्ट अस वाला पेज में आप जाइएगा, ये वेबसाइट का नाम है prochestagroup.com। कॉन्टैक्ट अस वाला पेज में जाइएगा तो यहाँ पे हमारा राजपाड़ा पोस्ट ऑफिस एडगुड़ा डिस्ट्रिक्ट झाड़ग्राम वेस्ट बंगाल में ये संस्था है। और सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं वहीं का इलाका का जो बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन किताब खरीदने के उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको साल में किताब व्यवस्था कराने का जिम्मा लिया गया है इस संस्था के द्वारा। बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो हम लोग मदद कर ही सकते हैं और इससे बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ये बताएंगे कि कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे संस्था से। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का जो अपडेशन होता है, आप फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो फेसबुक में जाइए। जैसे मान लीजिए आपका ये फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पे आप जाइए, ऊपर में सर्च करिए प्रोचेस्टा एडुटेक या प्रोचेस्टा ग्रुप भी सर्च करिए तो मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो ऑप्शन है प्रोचेस्टा एडुटेक, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप हमारा पेज में चलेगा। यहाँ पर ही हम लोग जो भी किसी भी तरह का जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो चाहे वो किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चले। अभी फ़िलहाल हम लोगों का जो कैंपेनिंग चल रहा है वो ग्रंथ यात्रा नाम का कैंपेनिंग चल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ग्रंथ यात्रा के नाम से कैंपेनिंग चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग पहला जो हम लोग का कोशिश है कि किस तरह से हम लोग किताब देंगे बच्चों को। ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं जो खरीद नहीं पाते हैं एक साल का किताब, उनको हम लोग देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इससे जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही आपको सारा चीज़ मिल जाता है, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्शन। इसके अलावा हम लोग एक प्रोडक्शन भी स्टार्ट किए हैं जिससे फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाए और इसका कुछ अमाउंट हम लोग सामाजिक कार्य में खर्च कर पाए। ठीक है, एक अगरबत्ती बनाने का हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इनका जो डायरेक्टर बोलिए या चेयरमैन बोलिए या कर्ता धर्ता बोलिए, मुकुंदराम चक्रवर्ती हैं। और उनका जो टेक्निकल हेड जो वेबसाइट वगैरह बनाता है, जो फेसबुक से रिलेटेड पेज को मैनेज करता है, वो है मोहम्मद सब्बीर, यानी कि मैं खुद। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले आपको तो रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन है एज ए कंट्रीब्यूटर और एज ए स्टूडेंट। अगर आप इसको मदद करना चाहते हैं, मैंने इस संस्था को कुछ अमाउंट देकर मदद करना चाहते हैं ताकि आपका भी इसमें एक पार्टिसिपेशन हो जाए, तो आप यहाँ से आप जाके इसको पर क्लिक करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ बोलेगा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं कि क्या है। साधारण सा हम लोग बंगाली में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पे एज ए स्टूडेंट, कि दोनों ही अवस्था में आपको रजिस्टर तो करना होगा। ठीक है, तो हम लोग एज ए स्टूडेंट किस तरह से रजिस्टर किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर एज ए स्टूडेंट को पर क्लिक करेंगे, चाहे आप डोनर के ऊपर जाइए चाहे आप इसके ऊपर जाइए, मैंने दोनों ही अवस्था में आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हमारे पास आपका इन्फॉर्मेशन आएगा, हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमको रजिस्टर करना है,
तो चलिए फटाफट हम लोग रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर जैसे ईमेल लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, यूज़र नेम पासवर्ड है, और यहाँ पे जाके आपको टर्म्स एंड कंडीशन को माने प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना है, रजिस्टर्ड मी करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मैंने अपना नाम लिख दिया है, और जो जो एक यूज़र नेम हमने चूज़ किया है, और यहाँ पे जाके हम टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम रजिस्टर्ड मी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर करिए, यहाँ पर बोल रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग मेंबरशिप्स टू योर साइट, वी विल रिव्यू योर डिटेल एंड सेंड यू एंड ईमेल लेटिंग यू नो वेदर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल और नॉट। ये रजिस्टर हो गया। उसके बाद अब लॉगिंग तभी कर पाइएगा जब आपको अप्रूव हो जाए। तो अब ये वाला जो आप इंफॉर्मेशन दिए हैं सिर्फ एडमिन ही दे सकता है, जो आपका माने जिस वेबसाइट में आप लॉगिन किए हैं उस वेबसाइट का ऑनर ही इसको देख सकता है, उसको आपको अप्रूव करेगा, तब यहाँ से जाके आप लॉगिन करिएगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड देके देखिए जब आपका ये हो जाएगा तो आपका मेल में एक मेल जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक मेल आ गया है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप योर अकाउंट इज नाउ अप्रूव्ड, ठीक है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह माने सॉरी यूज़र नेम दिया हुआ है और पासवर्ड तो हमको पता ही है, और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी को क्लिक करके अपना पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास आ गया, हम यहाँ से निकल जाते हैं और हम लॉगिन करते हैं। अब यहाँ से आप जाके लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र नेम है और जो आपका पासवर्ड है इसको देके हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा खुल गया। अब यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा ईमेल एड्रेस है, ये सब है। हो सकता है आपको यहाँ से आपको फ़ोन भी आ सकता है आपके पास कि आपने जो लॉगिन किया इसमें क्या गलती है क्या सही है। खैर कोई भी कोई बात नहीं, यहाँ से हम जाके अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम जब क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोटो एक फ़ोटो को हम लोग अपलोड कर देते हैं। हम जस्ट अभी अपना प्रोफाइल को हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। चलिए एक फ़ोटो यहाँ डाल देते हैं। फ़ोटो आ गया। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना तमाम चीज़ को आपको एडिट करना है, अपना प्रोफाइल को। माय अकाउंट, माय अकाउंट में आप जाइएगा तो आपको जस्ट ये वाला मिलेगा, ठीक है। व्यू प्रोफाइल में जाइएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा फ़िलहाल। अभी हम यहाँ से अपने प्रोफाइल को एडिट करेंगे। यहाँ से जस्ट एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम सारा चीज़ लिखेंगे, जैसे नाम हमारा आ गया, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, हमारा बर्थडे। चलिए हम लोग एक ठो बर्थ, उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका कास्ट सेलेक्ट करना है। तो हम रेंडमली कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे उसके बाद आप पूरा एड्रेस दीजिए, आप अपना पूरा एड्रेस दीजिएगा, हम फिलहाल जल्दी जल्दी इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, तो हम क्लास 10 लिख दे रहे हैं, स्कूल का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, माध्यमिक का मार्कशीट अपलोड करना है, और फाइनली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि आपका इनकम जो है वो कितना है। अब यहाँ से हम यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, जैसा आपको क्लिक करना है यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ये साधारण सा एक फॉर्म है, यहाँ पर आपको फादर का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, और यहाँ से फादर ऑक्यूपेशन में तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक्सपायर्ड नहीं है। अच्छा यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन लिखना है, और यहाँ पर मॉम का नाम लिखना है, ठीक है। और फाइनली जब सब कुछ आपका हो जाएगा तब आपको यहाँ पर ये सब चीज़ अपलोड करने के बाद, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो,
आपका माध्यमिक का फाइनेंशियल सर्टिफिकेट सब अपलोड कर दीजिएगा, तब यहाँ से आपको सबमिट कर देना है इस फॉर्म को। बस आपका फॉर्म यहाँ सबमिट हो जाएगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपका एडमिन को मिल जाएगा। अब वहाँ से हो सकता है आपके पास कॉल आए और आपको बता दिया जाए कि आपका रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है। ये सब चीज़ देखने के बाद प्रोफाइल को मतलब भरना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोफाइल आप नहीं भरिएगा तो एडमिन को मतलब मुकुंद राम चक्रवर्ती को पता नहीं चलेगा कि आपने अपना प्रोफाइल में क्या भरा है, ठीक है ना। तो यहाँ सब करने के बाद अब वेट करिए, आपके पास फ़ोन जाएगा या ईमेल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। और फाइनली सब कुछ होने के बाद यहाँ से आप अपना लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। लॉग आउट कर दीजिए, बस यही छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था। उसी तरह से आपका, जिस तरह से आपका यहाँ पे स्टूडेंट का हुआ है, उसी तरह से आपका यहाँ भी होगा। डोनेट में जाइएगा, अगर डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सब चीज़ भरने के बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, प्रोफाइल को भरना पड़ेगा, आप कौन हैं, क्या करते हैं, क्यों मदद करना चाहते हैं, इस तरह का, ठीक है। करने के बाद ये आ जाएगा। बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था किस तरह से आप एक फॉर्म को भरिएगा और हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, और आप हमारा इस चैनल को प्रोचेस्टा ग्रुप वाला जो पेज है उसमें आप जुड़े रहिए, यहाँ पे जाके आप लाइक कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि किस माने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग माने क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, इसी में हम लोग सारा चीज़ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।